हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी व उन्नाव कांड का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि यूपी के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गांव में हवस के भूखे भेड़िए ने एक युवती को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में परिजनों ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं इस घटना के बाद आरोपी युवक 22 वर्षीय मेवालाल, जो कि रिश्ते में चाचा बताया जा रहा है, फरार है। जनपद फतेहपुर थाना हुसैनगंज क्षेत्र के अभीपुर गांव में एक लड़की ने बताया कि उसके पड़ोसी और रिश्ते में जो चाचा लगते हैं, उन्होंने उसको साथ में काम करके जला दिया है और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी, आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। किस किस थाने का मामला है ये? थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर का मामला है। दिनांक 14 दिसंबर 2019 को ग्राम उबीपुर थाना हुसैनगंज की एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें लड़की के भाई ने तहरीर दी है कि पड़ोसी चाचा ने उसकी बहन के साथ रेपकर आग लगा दी। प्रकरण में थाना हुसैनगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मौके पर मैं पुलिस बल हम लोग मौजूद हैं। प्रथम दृष्टा जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लड़की और उसके आरोपी चाचा के मध्य पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर आज सुबह ग्राम में परिवारिक जनों के मध्य पंचायत भी की गई और पंचायत में दोनों को अलग अलग रहने की हिदायत दी गई है, जिससे शुद्ध होकर आग लगाने की यह दुखद घटना प्रकाश में आई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा सभी तथ्यों की जांच की जा रही है, जिस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ में 10-11-12 चेहरे फेरे, लड़की अंदर सोती है। फिर क्या हुआ? उसके साथ में गलत कार्य किया है। अच्छा, देखो तुम इसी देखो। उसके बाद मैं हम लोग कोई नहीं, लड़की को आग भी लगाया गया है क्या? वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने बताया कि पड़ोस का ही युवक, जो रिश्ते में चाचा लगता है, उसने घर पर अकेली पाकर युवती के साथ गलत काम करने के बाद मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टर्स ने उसे कानपुर रेफर किया है। नीतू नाम की 18 वर्ष की लड़की थी, वो भी गांव हुसैनगंज थाने के अंतर्गत आता है। वो 100% बर्न आई थी, केरोसिन ऑयल से जली हुई मिट्टी के से, और उसने अपने स्टेटमेंट में जो यहाँ तहसीलदार वगैरह ले रहे थे और सी ओ साहब देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जबरदस्ती करने के बाद दुष्कर्म हुआ था। हाँ, दुष्कर्म करने के बाद तो पड़ोसी के चाचा वाचा होंगे, वो लोगों ने किया होगा और इसके बाद मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी उन्होंने। हाँ, जो लड़की का कहना। चलाया उन्होंने फूका है कि अपने आप लगाया? नहीं, वही जलाई सी। क्या नाम उनका? मेवा। गलत किया था। कोई उसमें कोई था नहीं क्या? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं रहता। चलाया फूका, उन्होंने फूका है कि अपने आप लगाया? नहीं, वही जलाई सी। क्या नाम उनका? मेवा। गलत किया था। कोई उसमें कोई था नहीं क्या? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं रहता। ट्रॉमा सेंटर में युवती का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि युवती ने बयान दिया है कि उसके साथ गलत काम करने के बाद युवक ने उसे जला दिया। युवती की हालत को गंभीर देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ नफीस जाफरी, Time 24 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।